दोस्तों, आज हम फाइबर और प्रोटीन से रिच कटहल की सब्जी बनाएंगे और एकदम अलग अंदाज में हट करके बनाएंगे। इसे बनाने के लिए ना ही तो हमें कोई मसाला वगैरह पीसने की ज़रूरत है। इस तरह से अगर हम कटहल की सब्जी बनाते हैं तो घर वाले सिर्फ उंगलियां नहीं प्लेट भी चाट जाएंगे। तो देर ना करते हुए फटाफट कटहल की सब्जी बना लेते हैं। जब भी आप मार्केट से कटहल लेकर के आएँ या घर में कटहल को काट करके रेडी करते हैं तो उसे तुरंत पानी में डाल दीजिए ताकि कटहल हमारा काला ना पड़े। तो कटहल को अच्छे से धोकर हम कुकर में डाल देंगे। आज हमारी ये सब्जी कुकर में ही बनने वाली है। एक गिलास पानी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी डाल देंगे हम, और टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए यहाँ धनिया के डंठल मैंने छोटे छोटे काट करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ अदरक के भी एक दो टुकड़े डाल सकते हैं। और बस यहाँ हमें एक ही विसल इसकी लगाना है, एक विसल से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। तो चलिए, कुकर में एक विसल आता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 प्याज ले लिया है और ये मीडियम आकार का प्याज है और इसे एकदम हमें रफली चॉप करना है। कोई बारीक वगैरह चॉप करने की ज़रूरत नहीं, देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा कर लेना है। और टमाटर को भी हमने इसी तरह से चॉप कर लिया है। तो 2 टमाटर और 3 प्याज को हमने चॉप कर लिया। तब तक हमारे कटहल में भी अच्छे से एक सीटी आ गई और कुकर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसकी गैस निकल जाए, तब हम इस तरह से कटहल को एक छन्नी में छान करके रख लेंगे। और ये जो पानी है बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, इसे हमें फेंकना नहीं है, आगे हम इसका यूज करेंगे। अब वही कुकर मैंने फिर से ले लिया है और इसमें 3-4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल करके जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इस कटहल को मैं सेलो फ्राई करूंगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और कटहल की सब्जी में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है, आप दूसरे तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आधा कटहल तेल में डाल करके देखिए इस तरह से फ्राई कर लूँगी, बाद में जो दूसरा पार्ट है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं 2 हिस्सों में कटहल को फ्राई कर ले रही हूँ। बस इसे बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, ऊपर से एक तेल की परत आ जाए और थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो जाए, बस उतना ही फ्राई करना है। तो देखिए एक हिस्सा जो है हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तेल में फिर दूसरा जो आधा बचा है उसको भी मैं डाल करके फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैं कटहल को आपको दिखा दे रही हूँ, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट और जूसी कटहल हमारा फ्राई हो चुका है एकदम बढ़िया से। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। कटहल को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था उसमें से थोड़ा तेल मैंने निकाल दिया है, 2-3 चम्मच के करीब तेल रहने दिया है। अब आप चाहें तो इस तेल में थोड़े खड़े मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो मसाला घर में बना करके तैयार किया हुआ है गरम मसाला, वो काफ़ी बढ़िया है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पे मुझे खड़ा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अब चॉप किया हुआ प्याज यहाँ हम कुकर में डाल करके इसको भून लेंगे। यहाँ हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब 10-12 हम यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और मैंने यहाँ 3 लाल मिर्च डाला है, आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसके बाद यहाँ हमने जो 2 टमाटर काट करके रखा था इस टमाटर को भी मिक्स कर देंगे। आज हम इन मसालों को ग्राइंड वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बहुत कम ना के बराबर मेहनत में बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी सब्जी आज बन करके तैयार होने वाली है। तो प्याज और टमाटर में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी हमने कटहल में भी डाला था इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी और हल्दी डाल देंगे, 2 चम्मच यहाँ मैं धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ये गरम मसाला डाल रही हूँ जो कि मैंने घर में बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गरम मसाला बन करके तैयार होता है, इसलिए इस सब्जी में मैंने खड़े मसालों का भी यूज नहीं किया है। अगर आप इस गरम मसाले को बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया ये मसाला बन करके तैयार होता है। 1 चम्मच ये मसाला किसी भी सब्जी में आप डाल दीजिए, उस सब्जी का स्वाद 2 गुना से 4 गुना बढ़ जाता है। अभी मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो जो कटहल का पानी था, 1 कप के करीब कटहल का पानी मैं इस मसाले में डाल दूंगी और गैस की फ्लेम को हम लो करके 1 सीटी यहाँ पर आने देंगे। यहाँ हमें मसालों को पीसने वगैरह की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है,
कुकर में एक सीटी आ जाए तब गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए, हल्का सा कुकर को ठंडा कर लीजिए ताकि कुकर खुलने लायक हो जाए। उसके बाद इस कुकर को गैस की फ्लेम पे ही रहने दीजिए और एक कलछी लेकर के अच्छी तरह से इसको हिलाते जाइए, मैश करते जाइए सारे मसालों को। काफ़ी बढ़िया सा हमारा ये मसाला तैयार हो जाता है। आप इस मसाले का टेक्स्चर देख सकते होंगे कि कितना बढ़िया हमारा ये मसाला बन करके तैयार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमने इस मसाले को मिक्सी में नहीं पीसा है, आज हमने इस सब्जी के लिए मिक्सी का यूज नहीं किया है। तो बढ़िया सा ये मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया। अगर बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं, उनके पास मिक्सर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो इस सब्जी को इस तरह से वो बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो मसाला हमारे यहाँ जब तैयार हो जाए तब इस कटहल को हम इस मसाले में डाल देंगे और फिर से इसे हम थोड़ा 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारे कटहल में अच्छे से मसाले का स्वाद अंदर तक भीग जाए। अगर आप सूखा बनाना चाहते हैं तब तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, आपका कटहल की सूखी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा रसेदार, थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो जो कटहल का पानी था उसे हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप यहाँ गर्म पानी का यूज कीजिए। गर्म पानी का यूज करने से दो काम होता है, एक तो कटहल की सब्जी या कोई भी सब्जी हो तो उसका कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकता है, दूसरे ग्रेवी ना गाढ़ी बनी रहती है, वो पतली नहीं होती है। अगर आप इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ना तो ग्रेवी हल्की सी पतली पतली लगने लगती है। तो देखिए मुझे इस तरह का थिकनेस चाहिए था सब्जी का। अब यहाँ पर मैं एक सीटी लगा दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो सीटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट इसे ऐसे ही पकने दीजिए। अब जब एक सीटी लग जाए तो इसके बाद मैंने कुकर के ढक्कन को खोल के देखा है कितनी बढ़िया मसालेदार एकदम हमारी सब्जी बढ़िया सी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर आप इच्छा अनुसार धनिया डाल दीजिए और लीजिए आपकी कटहल की पौष्टिक, रसेदार, फाइबर वाली और प्रोटीन से रिच सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।